स्वागत 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 एक बार आप सभी का फिर से वाइजेस्ट टेक पर। तो आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले इस बोया के वीवा M1 माइक की। जी हाँ, ये माइक न्यू यूट्यूबर्स के लिए एकदम तोड़ है तीन कारणों में से। एक तो नॉइज रिडक्शन के मामले में, दूसरा इसकी सुपर साउंड क्वालिटी और तीसरा है प्राइस। जी हाँ, सही सुना आपने, तीनों मामलों में कमाल का ये माइक। तो आज हम इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका फुल सेटअप करेंगे और इसकी इस क्वालिटी की जांच करेंगे, इसकी साउंड क्वालिटी आती कैसी है। सो आज वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखे जाइएगा और आपको ये माइक पसंद आएगा वीडियो के एंडिंग में, तो माइक भी खरीद के जाइएगा अगर आप यूट्यूबर हो तो। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश, आप देख रहे हैं वाइजेस्ट टेक को। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है बोया M1 माइक का बॉक्स। इसका कुछ डिटेल दी गई है इस माइक के बारे में और पीछे कुछ दिए गए इसके फीचर्स और सामने के बारे में। ये आपको जो ये जो दिख रहा है ना कोड, ये बार कोड, इसे आप स्कैन करके इसके वेबसाइट पे जाके पता लगा सकते हैं कि आपका बोया का माइक ऑथेंटिक या ओरिजिनल है क्या नहीं। सो ये है कुछ बॉक्स के ओवरव्यू जो आप तो देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। सो अब इसे हम खोलते हैं और देखते हैं इसके बॉक्स कंटेंट्स क्या है। खोलते हैं हम अभी और देखते हैं इसके बॉक्स कंटेंट्स हमें इसके अंदर क्या मिलते हैं। सो जैसे कि हम इसे खोल रहे हैं, वाओ ये खुल चुका है, आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। सबसे पहले हमें इसके अंदर मिलता है ये पाउच, जिसके अंदर पूरा सेटअप रखा गया है। पाउच को एक मिनट, थोड़ा जो पाउच देख रहे हैं आप इसको, ये है इसके अंदर सबसे पहले पूरा माल मटेरियल इसके अंदर रखा गया है। इसको साइड में रखते हैं और सबसे पहले बॉक्स को अंदर चेक कर ले क्या मिलता है। ये है बोया की तरफ से आने वाली आपके माइक के लिए यूजर गाइड, जिसे आप देख के सेटअप कर सकते हैं कि आपको माइक को कैसे यूज करना है, ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज दिख रही है मुझे, बॉक्स को थोड़ा बाजू में रख देते हैं। ये है वारंटी कार्ड आपके माइक का, ये भी फिलहाल कुछ काम का नहीं, मेन मुद्दा है हमारा ये। तो इसको हम देख लेते हैं, सबसे पहले निकलते हैं ये कुछ चीजें निकली इसके अंदर से। इसके अंदर से क्या क्या निकला अभी पहले वो देख लेते हैं। एक पाउच था, सबसे पहले निकला है ये एक अडेप्टर पिन, दूसरा है ये क्लिप, कॉलर क्लिप, जिससे आप अपने माइक को सपोर्ट देंगे आपके शर्ट या का टी शर्ट पे, जहाँ भी आप इसे लगाएंगे और अपनी आप उसे बात कर पाएंगे अपने शर्ट या इसको लगा के। और तीसरा है ये LR44 सेल, आपको पता है जब हम बचपन में लेजर लाइट वगैरह खेलते थे उसके अंदर यही सेल आते थे। सो ये है सेल। सो ये सब तो कंटेंट्स हो गए बॉक्स के, इन्हें रखते हैं बाजू में। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की, ये है माइक हमारा बोया का M1। देखिए आप जैसे कि देख रहे, काफी बड़े वायर के साथ आता है इसके लेंथ में और इसके ऊपर ये आप देख रहे हैं इसके साथ चिपके था ये इस माइक का हेड कैप हमें इसे कह सकते हैं, जिसके ये हम इसके ऊपर लगाएंगे ऐसे, आप देख ही रहे हैं। सो गाइस, मेन माइक की बात करें तो कुछ इस प्रकार से हमारा मेन माइक, देखिए काफी लंबे वायर के साथ आता है, इसके आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो अगर आपको इसे अपने स्मार्टफोन के साथ यूज करना है तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपकी जो बटन पोजीशन है उसे हमेशा आपको उसे ऑफ की ओर रखना है, जैसे कि अभी ये है। और अगर आपको इसको आपके कैमरे या DSLR के साथ यूज करना है तो उसको आपको बटन को आपको ऊपर की ओर शिफ्ट करना पड़ेगा, जैसे इनकी ऑन पोजीशन में। और एक और बात ध्यान में रखें दोस्तों की, जैसे मैं अभी आपको खोल के बताता हूँ, मैं इसे खोल रहा हूँ, जल्दी खुल जा भाई। हाँ ये खुल गया, तो देखिए यहाँ पे लगेगी वो बैटरी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था LR44 वाली। और अगर आप उसे स्मार्टफोन के साथ यूज कर रहे हैं ना गाइस, तो आपको इसके अंदर बैटरी लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये स्मार्टफोन के अंदर बिना बैटरी के काम करेगा। हाँ, तो बैटरी आपको तब लगेगी जब आप इसे लैपटॉप कंप्यूटर या DSLR के साथ यूज करेंगे। सो ये है पूरा मेन मुद्दा अनबॉक्सिंग का इस माइक के। और अब मैं आपको इसका क्विक टेस्ट बताता हूँ साउंड का, कि हम कंपेयर करेंगे कि विदाउट माइक और माइक साउंड में क्या फर्क पड़ता है हमारे वीडियोस में। सो गाइस, इस माइक को आपके स्मार्टफोन के साथ यूज करने में एक थोड़ा सा कैच है, क्योंकि जो हमारी जो स्मार्टफोन की जो इंटरनल जो डिफॉल्ट कैमरा एप्स होती है ना, उसमें एक्सटर्नल माइक का सपोर्ट होता ही नहीं है। सो आपको इस माइक को अगर आपके स्मार्टफोन के साथ यूज करना है तो आपको जो ऐप दिख रही ना आपके स्क्रीन पर ओपन कैमरा करके, इसे आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा आपके फोन में। और इसमें आपको छोटी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको सिंपली इसे ओपन करना है, तो जैसे ये ओपन होती है आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है नीचे में वीडियो सेटिंग्स में, और जैसे आप वीडियो सेटिंग्स में जाएंगे तो वीडियो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे ऑडियो सोर्स करके, तो यहाँ पे आपको ऑडियो सोर्स में एक्सटर्नल माइक की प्रेजेंट पे इस पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको कुछ नहीं करना, बैक आ जाना है। और अब जब भी आप अपना नया वीडियो शूट करोगे या कुछ भी करोगे तो जो साउंड रिकॉर्ड होगा वो आपके एक्सटर्नल बोया के माइक से होगा, ना कि आपके फोन के माइक से।
सो ये बात ध्यान रखिएगा। सो गाइस ये जो आवाज आप सुन रहे हैं ये मेरे बोया के माइक की नहीं है, ये है फोन के इंटरनल माइक की आवाज है। चलो अब लेट्स स्विच करते हैं हमारे बोया के माइक में। सो आपको क्या क्वालिटी का फर्क पड़ता है आप देख सकते हैं। सो 1 2 3 लेट्स स्विच। सो गाइस ये जो आवाज आप सुन रहे हैं अभी ये आ रही है बोया के BY-M1 माइक से। सो आपको क्वालिटी का अंदाजा तो आ ही गया होगा कि भैया फोन के इंटरनल माइक से पहले कैसी आवाज आ रही थी और अभी इस माइक से कैसी आवाज आ रही है, तो क्वालिटी में तो जमीन आसमान का फर्क पड़ ही गया होगा। सो आप सोच सकते हैं कि एक माइक से कितना फर्क पड़ जाता है पूरे वीडियो के क्वालिटी में। सो गाइस यही था आज का पूरा वीडियो BY-M1 माइक के अनबॉक्सिंग के बारे में। हमने सेटअप भी कर लिया और इसका एक क्विक टेस्ट भी कर लिया। सो अगर आप एक न्यू यूट्यूबर है और आपको एक अच्छे माइक की तलाश थी, क्योंकि ये माइक जो है बोया का BY-M1 ये काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स यूज करते हैं क्योंकि ये बजट फ्रेंडली भी और इसका साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छी आती है, क्योंकि ये मतलब 1500 के आसपास आ जाता है। पर अभी मैंने जब लिया इसको सेल में तो मुझे 800 रुपीज के अराउंड पड़ गया, क्योंकि अभी सेल में कम में मिल रहा था। तो अगर आपको भी खरीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक ड्रॉप कर दूंगा, आप आसानी से खरीद सकते हैं अगर आप यूट्यूबर हो तो, या फिर आपको ऐसे वीडियोस वगैरह बनाने का शौक है तो। सो यही था वीडियो में गाइस। सो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर जरूर एक लाइक दे दीजिए, क्योंकि काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एक लाइक तो बनता है आपकी तरफ से। कमेंट कर दीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, और हाँ सब्सक्राइब कर दीजिए यार, जल्दी जल्दी यार मुझे 1000 सब्सक्राइबर पहुंचा दो ना यार प्लीज। तो एक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जो भी आप कर सके, जितनी बटन नीचे उपलब्ध है उन सबका इस्तेमाल आप कर दो इस वीडियो के साथ। सो यही था आज की वीडियो में, अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।